प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां कई मुद्दों पर बात करेंगे। देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किन बड़े मुद्दों को बोलते हैं। प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम साथ में बगल में उनके मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है। तो बता दें कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है आज। संसदीय दल के आज विधायक से बात भी होगी, जहां मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है और कई विषयों को लेकर उस बैठक में चर्चा भी की जाएगी। कई विषयों को जो सत्र में रखा जाएगा उन विषयों को मंजूरी भी मिलेगी, लेकिन इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी कर ली गई है। अभिनंदन के तौर पर भगवा रंग का शॉल स्टॉल के तौर पर पहनाया गया और उसके बाद थोड़ी देर में ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नजर भी आएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जयपुर से सीधे तस्वीरें। सभी को नमस्कार। वैसे तो आप सभी को पता है आज जो प्रेस है, कल आपने देखा होगा कि संसद के अंदर कल श्रीमान राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर हिंदुओं को हिंसक, असत्यवादी और नफरतवादी की उन्होंने संज्ञा दी है। वे न केवल झूठ बोल रहे बल्कि 125 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कल की उनकी जो भाषा आपने देखी होगी कि किस तरह से उन्होंने बार बार हिंदुओं को अपमान करने की बात कही है। लगातार तीसरी बार फिर कांग्रेस बार बार लॉन्च करती है, लेकिन आप देख पा रहे हैं लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो उन्होंने रिजेक्ट हो चुके हैं, राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये पहला भाषणी झूठ, निराशा और तथ्यहीन बातों को लेकर के था। लोकसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा थी, जिस पर राहुल गांधी एक शब्द भी नहीं बोले। राहुल गांधी ने सदन में केवल झूठ बोला। राहुल गांधी ने अपने भाषण में न केवल हिंदुओं का घोर अपमान किया बल्कि हिंदू समाज को हिंसक, नफरती और झूठा बताने का काम भी किया। ये कांग्रेस की आदत रही है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर वोटों का ध्रुवीकरण का काम करते हैं और एक दूसरे में बेमनस्ता फैलाने का काम इन्होंने किया है। कांग्रेस नेता सदैव हिंदू समाज के खिलाफ बोलते रहे। आपने देखा होगा वर्ष 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम, वर्ष 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इसी जयपुर में हिंदुओं को आतंकवादी बताया था और बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ी। हिंदुओं को हिंसक और अवसरवादी बताना, संसद की बहस के दौरान ईश्वर के चित्रों को सामने रखना और इस पर राजनीति करना, एक नेता जो प्रतिपक्ष का नेता है उसको शोभा नहीं देता है। मैं श्रीमान राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा कि हिंदू कौन है। हिंदू वो है जो हिंदू वसुदेव कुटुंबकम की भावना को रखने वाला है। हिंदू वो है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की कामना करने वाला हिंदू है। हिंदू जीव प्रकृति जल चेतन में ब्रह्म को साक्षात्कार करने वाला है। धर्म की जय हो।
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस मंत्र को जीने वाला हिंदू है। प्राणी मात्र में ईश्वर का वास देखने वाला हिंदू है। अरे हम तो प्रकृति में भी ईश्वर मान के चलते हैं। प्रकृति में मैं हमारी पर्यावरण के आधार पर भी हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हमारे पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं। हिंदू की परिभाषा बहुत बड़ी परिभाषा है। हिंदू की परिभाषा राहुल जी आप नहीं सीख सकते, क्योंकि आपके अंदर वो संस्कार नहीं है। भगवान शिव की तस्वीर संसद में दिखा रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी, ये तस्वीर आपने तो अभी 5-7 साल से देखनी शुरू की है। हिंदू जब घर में बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इसे अपने सीने में रखता है, ये वो तस्वीर है। उसे राहुल गांधी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। क्या हिंदू क्या है? राहुल गांधी तो वो है जिसने अपनी शपथ में ईश्वर का नाम नहीं लिया। अपनी ओछी राजनीति और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हिंदुओं को गाली देना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। कांग्रेस का चरित्र ही हिंदू विरोधी बन चुका है। मैं कहना चाहता हूं, एक बार वो देख लें कि उन्होंने किस तरह से किया है, ये कहां से सीख करके आए। आपको अपने जो पूर्वज थे या अपने जिसे उनसे यही शिक्षा मिली थी क्या? अरे हिंदू तो वो होता है इस देश के अंदर अतिक्रमणकारी आए, उन्होंने भी सोचा था कि हिंदू संस्कृति को हम मिटा देंगे, लेकिन आज वो कहां है ये देख लीजिए, इतिहास कहानी सुना देगा। जो इस संस्कृति को बदलने के लिए आए थे वो इस संस्कृति के अंदर समा गए। हिंदू संस्कृति वो संस्कृति है। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने कहा अग्निवीर योजना में शहीदों को मुआवजा नहीं मिलने की बात कहकर अग्निवीर सैनिकों का अपमान करने का काम किया है। कल उनके झूठ की पोल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने संसद में ही खोल दी थी, जब श्री राजनाथ सिंह जी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि अग्निवीर शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। इस झूठ से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी विपक्ष के नेता तो बन गए, लेकिन उन्हें सदन की परंपरा नियमों की जानकारी नहीं है, इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष पर भी उन्होंने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करना भी बहुत दुखद है। किसानों के बारे में झूठ बोला, अयोध्या पर भी झूठ बोला। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने झूठ की दुकान खोल रखी है और झूठ की दुकान के माध्यम से वो जनता को बरगलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस देश की संस्कृति को कोई नहीं मिटा पाया। आपके जो संस्कार हैं, जो आपको मिले हैं, कहां से मिले हैं, कैसे मिले हैं, इस पर भी आपको विचार करना होगा। ये इतना बड़ा देश आपके इस अपमान को नहीं सह सकता। आने वाले समय में आपको इस हिंदुओं का जो अपमान किया है, आपको पता चलेगा कि हिंदू क्या होते हैं। मैं आज की प्रेस आपके माध्यम से अंत में इतना कहना चाहता हूं, जो इस देश को नहीं समझ सका, हिंदू को नहीं समझ सका, वो क्या समझेगा, ये मैं उनसे उत्तर चाहता हूं। आप सभी लोग आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे आपके बीच में इतना ही कहना था। नमस्कार। देखिए उन्होंने, आप उनकी क्लिप सुनिए, उन्होंने क्या कहा है, जो अपने आप को हिंदू कहलाने वाले हैं, जरा गौर करिए और उसे सुनिए। सर 24 के इलेक्शन का जो नतीजा आया उसके बाद निरंतर ये देख रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जैसा कल सांसद में किया गया, और सर आदिवासी हिंदू नहीं है इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हिंदू के मर्म को नहीं जानता है, ये हजारों सालों की संस्कृति, उनको उसको पढ़ना पड़ेगा,
उनके संस्कार उनको ग्रहण करने पड़ेंगे। ये हिंदू संस्कृति है, ये मिटाने वाले बहुत आए थे। इस देश में हजारों सालों की गुलामी हुई, लेकिन इस संस्कृति को मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और आज उनको भी कहना चाहते हैं कि हिंदू संस्कृति की तरफ उंगली अगर करोगे तो चार उंगली आपकी तरफ होंगी, आपको विचार करना पड़ेगा। देखिए, जब उन्होंने हिंदू तक कह दिया तो भगवान जी का त्रिशूल कहाँ? उनको यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि भगवान क्या थे, उन्होंने इस सृष्टि के लिए भगवान शिव ने विष धारण किया था। ये पढ़ना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा उन लोगों को जो हिंदू मानसिकता के विपरीत जिस तरह की भाषा बोलते हैं। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त ही बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राहुल गांधी के दिए गए हिंदू बयान को लेकर जिक्र किया। उन्होंने कहा संस्कृति को बदलने आए थे, वो इसी संस्कृति के रह गए। राहुल गांधी ने अग्निवीरों को लेकर झूठ बोला। झूठ फैलाने का काम राहुल गांधी करते हैं, झूठ की दुकान खोल रखी है। तो राहुल के बयान पर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्टीमेटली अभी तक नजर आई। और सीएम की ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी के हिंदू पर दिए गए बयान पर अब पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बोला कांग्रेस का चरित्र ही हिंदू विरोध बन गया है। तमाम ऐसी पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए। तो अग्निवीर हो या फिर अयोध्या या फिर हिंदुओं पर की गई चर्चा, उसी पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने।